शहीद अब्दुल्ला मुराद फाउंडेशन यौम दफा चैंपियनशिप टूर्नामेंट के सिलसिले में आज दूसरे रोज जाम 11 फुटबॉल स्टेडियम में दो मैच खेलने थे। पहला मैच बलोचूत और जाम 11 के दरमियान खेला गया। मैच मुकर्रा वक्त पर बगैर किसी गोल के बराबर रहा। मैच का फैसला पेनल्टी किक्स की बुनियाद पर हुआ, जिसमें बलोचूत ने कामयाबी हासिल की। जबकि दूसरा मैच बलोच क्लब और मलीर नेशनल के माबेन खेलना था, जो तनाज़े की वजह से मुकम्मल न हो सका। मामला ये हुआ था कि हमारे टीम पर इन लोगों ने, डिस्ट्रिक्ट वालों ने, जो पता नहीं, डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन तो पहले से ही मुअत्तल है, और इनके यहाँ जो काम कर रहे हैं वो अनलीगली काम कर रहे हैं। दो डिस्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ, दो डिस्ट्रिक्ट काम कर रहे हैं। हमारे को ये पता नहीं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट रियल है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हमें कुछ न के इतला दी गई इस बारे में, ना कोई पेशगी इतला दी गई है। ये कह रहे हैं कि हम भी ट्रांसफ़र के हकदार हैं, हम हैं लीगली, हम हैं। वो कह रहे हैं हम हैं, दो ग्रुप हैं। भाई आप लोग अगर लीगली हो, इलीगली हो या लीगली हो, तो आप उनको कोर्ट में बुलाएं, उस डिस्ट्रिक्ट को कोर्ट में बुलाएं, ताकि हमारा ये फुटबॉल जो है मलीर में कम से कम तरक्की कर सके। हमारा जो टीम है अभी पिछले तकरीबन एक साल से हमारा जो टीम है वो खेल रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन कमेटी जब आया था, जो गुज़िश्ता जो वो डिस्ट्रिक्ट है वो सस्पेंड हो गया था। अभी जो डिस्ट्रिक्ट आया है, हमें ये इल्म नहीं है किस रूल के तहत ये आया है। भाई बहाली, आप बहाल हो गए, जो पिछला डिस्ट्रिक्ट बहाल हुआ था, आपके पास लेटर कहाँ है वो बहाली का? बस ये ज़बरदस्ती कह रहे हैं, असल वजह ये नहीं है। असल वजह ये है कि बलोच क्लब के ऊपर हमारे जो अपने ही हैं, ये नहीं अपने ही हैं, अपने ही हैं, उन लोगों ने बस ज़िद किया हुआ है बलोच क्लब का, ये खिलाड़ी नहीं खेलेगा। जैसे आप जैसे यहाँ कह रहे हैं कि इस टूर्नामेंट नहीं खेलेगा, जाहिर है कल हमारा दिलबोज मामले में वो भी आप कल अपना मनमानी करोगे वहाँ भी, भाई इसको नहीं खिलाएंगे। हमारे भाई अना का मसला है, हम कैसे खिलाएँगे उसको? असल मसला ये है, अभी उन लोगों ने ज़िद किया हुआ है कि अभी दिलबोध भावना में मैच है, वो नहीं खिलाएंगे। अच्छा, हाँ नहीं खिलाएंगे। असलम ले में हमारा मैच था, वो पहले खेल चुका है। अच्छा, ये इनके प्लेयर्स हैं आप देखें, बलोच क्लब के मोर भी लगा हुआ है। तब कौन से प्लेयर पे मसला चल रहा है आपका? ये प्लेयर है, ये अच्छा ये प्लेयर है, स्टैंप भी निकाल, स्टैंप लगा हुआ है। मसला चल रहा है जिसके तहत आज बलोच मामलन ने खेलने से भी इनकार कर दिया है। बलोच कलन में खेलने से इनकार नहीं दी गया, उसको खिलाने दो। वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास प्लेयर है जो एक साल से हमारे पास खेल रहा है। लेकिन बेटा नाम बता देंगे अपना? नूर हसन कलमती। नूर हसन पहले किस टीम में खेलते थे? मलीर स्टार। मलीर स्टार। अच्छा, आप रजिस्ट्रेशन जो इस तरफ आपका आया है, इसमें कितना टाइम हो रहा है? एक साल हुआ है। अच्छा, एक साल आपने कोई टूर्नामेंट खेला है? जी हाँ, बहुत सारे। कहाँ पे? दिलबोध में खेला है, प्री क्वार्टर फाइनल खेल रहा हूँ। अच्छा, और सालार वेलफेयर के सेंटर के ग्राउंड में खेल रहा हूँ, और शहजाद स्टेडियम में खेल रहा हूँ। वहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं हुआ? कोई भी इतराज़ नहीं हो रहा है। अच्छा, और जिस टीम से मैंने ट्रांसफर लिया और टीम वाले बैठे हैं वो भी इतराज़ नहीं कर रहे हैं। कल उसी टीम का सामने मेरा प्री क्वार्टर फाइनल जिस टीम से मैंने ट्रांसफर लिया है। तो अभी बेसिकली मसला क्या है, आप क्या समझते हो? दो ग्रुप चल रहे हैं, दोनों ग्रुप में आपस में मसला है, हमारा फुटबॉल को खराब कर रहे हैं। मैसेज देना चाहता हूँ इन ग्रुपों को खत्म किया जाए। मैंने सलमान साहब से बात की है इसके बारे में। अच्छा, पहले भी बहुत सारे प्लेयर इस तरह नशे में मुलविस हो गए तो चुके हैं, और इससे पहले बहुत इस तरह जिन लोगों ने फुटबॉल छोड़ा है वो भी नशे में मुलविस हो चुके हैं और दूसरे कारोबारों में तबाह हो चुके हैं। मैं लिहाजा इन सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने हक के लिए लड़ें और अपने फुटबॉल के लिए फाइट करें। ये डिस्ट्रिक्ट मलीर देखो, अभी 110 क्लब थे, 109 क्लबों ने शाहिद ताज से ट्रांसफ़र लिए, जिसमें शाहिद ताज के एंटी क्लब थे, विक्ट्री था, महफूज 11 था, मलीर 9 था, महफूज सब, ये सब टीमों ने शाहिद ताज से ट्रांसफ़र लिया। ये वाइल्ड टीम था,
इसने शायद तक से ट्रांसफ़र नहीं लिया, दूसरा ग्रुप का कोई वजूद ही नहीं है, और नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने शीट बनाया था, नॉर्मलाइजेशन कमेटी और शीट नॉर्मलाइजेशन सब खत्म हो गए। अभी कार्ड सिस्टम है, मैंने बोला 3 दिन पहले इमदाद ने उसको बोला था कि भाई तुम्हारा ये प्लेयर नहीं खेल सकता है, अगर डी एफ ए मलिर का कोई रसीद हो या कार्ड हो बाकायदा हम उसको खेलने देंगे, मगर उनके पास दूसरे एंटी ग्रुप का कार्ड था, जाहिर है उसकी परमिशन शायद ग्रुप से लिया है, उसी का टूर्नामेंट है, जाहिर है उसी के कार्ड चले। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपने पेशगी इनको इतला दी थी कि आपका ये प्लेयर नहीं खेल सकता? बिल्कुल, इमदाद ने दो दिन पहले इनको इतला दिया था कि तुम्हारा ये प्लेयर नहीं खेल सकता। ओके, ज़िंदगी इन लोगों ने खुद तबाह की है, क्योंकि इन्होंने कानूनी ट्रांसफ़र ले लेते हम खेलने देते हैं, इन लोगों ने कानूनी ट्रांसफ़र नहीं लिया, गैरकानूनी ट्रांसफ़र हम नहीं मानते। जब हमने शाहिद ताज ने पहले ही बोला था जब ये गैरकानूनी प्लेयर खेलेगा जामलन टीम पे बैन लगेगा, ज़ाहिर है उनके लेटर पैड से परमिशन लिया, टीम भी तो बचाना है। वो ये मौके इख्तियार करें कि यहाँ पे ये जो टूर्नामेंट हुए तो गैर रजिस्टर है, इसमें अगर हमें खेलने देते इसमें तो कुछ इशू नहीं, गैर रजिस्टर टूर्नामेंट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मलिर का परमिशन है, डीएफए मलिर रेफरी कोऑर्डिनेटर का परमिशन है, बिल्कुल कानूनी तरीके से चल रहा है, कोई गैर कानूनी टूर्नामेंट नहीं है ना गैर रजिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया मलिर न्यूज़ के दोस्तों और उनकी टीम का, बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस एक मुतनाज़ा इशू पर लाइन पर लिया हुआ। देखें, ये फुटबॉल की जो लड़ाई है वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इस वक्त जो अशफाक शाह की सरबराही में काम कर रही है, बुनियादी तौर पर उसे उनके मदर ऑर्गेनाइजेशन जिसे फीफा कहते हैं, ये AFC कहते हैं, वो उसके रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं इसे। अब इन्होंने जो है यहाँ पर कुछ इन्हीं एक ही ग्रुप से नीचे आकर दो ग्रुप मज़ीद बनते हैं, एक की क़यादत कराची में नासिर करीम कर रहे हैं जबकि दूसरी क़यादत रहीम बख्श बलोच कर रहे हैं। तो रहीम बख्श बलोच की क़यादत करने वाले जो ग्रुप है उससे DFA की जो एसोसिएशन है डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मलिर, उसकी क़यादत शायद ताज और मास्टर फतेह मोहम्मद कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ नासिर करीम ग्रुप की तरफ से उनके जो सिंध के सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक वर्किंग कमेटी बनाई थी। मलिर में उस वर्किंग कमेटी के जो चेयरमैन थे मोहम्मद शीरानी, उन्होंने बैक वक्त दोनों ग्रुपों ने ट्रांसफ़र किए। अब ट्रांसफ़र बलोच क्लब ने जो है ट्रांसफ़र वर्किंग कमेटी वालों से करवाए, जबकि दूसरी तरफ DFA मलिर के जो शायद और मास्टर ताज के ग्रुप हैं उन्होंने भी ट्रांसफ़र करवाए हैं। अब यहाँ पर जो तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है उसके पीछे ये झगड़े जो कानूनी पोजीशन है वो ये है, लेकिन इंटरनेशनल जो बॉडी हैं फुटबॉल फेडरेशन के वो इस वक्त बरसर इख्तदार पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन उन्हें रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं। अब इस मैच के दौरान फुटबॉल का नुकसान हुआ है, क्योंकि फुटबॉल का नुकसान हुआ है, तमाशाइयों को फुटबॉल देखने को नहीं मिला। यहाँ पर अगर ये फेस्टिवल है जिसमें 9 खिलाड़ी यूनियन कौंसिल थानों और मल के एक टीम जो है उसमें खेल रहे हैं, तो उन्हें होना ये चाहिए था कि अपनी अना को एक तरफ रख के इस फेस्टिवल को कामयाब करने के लिए एक बीच का रास्ता इख्तियार कर लेते, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर जो ये अना का मामला है और अपने आप को बरतर साबित करने का जो मामला है उसके भीड़ चढ़ गया आज का ये मैच। और मुस्तकबिल में अगर, क्योंकि ये इस ग्राउंड का क्लब है बलोच क्लब, तो अगर उनकी ये बात जो उन्होंने कही है कि आइंदा मैचों में भी वो मुदाखलत करेंगे, वो अपनी टीम जो है खेल करा के सामने लाएंगे, इससे तो ये फेस्टिवल जो है अब एक तनाज़े का शिकार हो चुका है। अब ये नहीं लगता कि ये जो फेस्टिवल है ये अपने इख्तिताम तक पहुँचे।